नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हाल के दिनों में क्रिकेट की दुनिया में पहली बार काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बिना दर्शकों के मैच खेलना, गेंद पर लार के इस्तेमाल पर रोक, खिलाड़ियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कुछ नियम पहली बार क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे। क्रिकेट के मैदान से बाहर क्रिकेट के लिए नियम बनाने वाली और क्रिकेट के प्रचार प्रसार करने वाली संस्था मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC का एक 200 साल से पुराना इतिहास भी बदलने वाला है। जी हाँ, पहली बार किसी महिला को MCC के अध्यक्ष पद की कमान मिलने वाली है। इंग्लैंड की महिला टीम की पूर्व कप्तान क्लेयर कॉनर को मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब की मुखिया की जिम्मेदारी मिलने वाली है। दरअसल MCC लंदन में स्थित एक क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1787 में की गई थी। इस तरह इस क्लब को बने 233 साल हो गए हैं, लेकिन पहली बार किसी महिला को MCC का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। हालांकि अध्यक्ष बनने के लिए क्लेयर कॉनर को अभी एक साल से ज्यादा का इंतजार करना पड़ेगा। क्लेयर कॉनर अगले साल अक्टूबर में श्रीलंकाई टीम की पूर्व कप्तान कुमार संगकारा की जगह लेंगी, जो मौजूदा समय में MCC के अध्यक्ष हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड में महिला क्रिकेट की प्रबंध निदेशक क्लेयर कॉनर के नामांकन का ऐलान खुद कुमार संगकारा ने किया। बुधवार को आम सभा की सालाना बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बताया कि क्लेयर कॉनर MCC के अध्यक्ष पद को संभालेंगी। कॉनर अगले साल 1 अक्टूबर को इस पद को संभालेंगी, लेकिन इससे पहले मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब के सदस्यों की मंजूरी उनको मिलनी जरूरी है। बता दें, कोरोना वायरस महामारी के कारण कुमार संगकारा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में वो अगले साल इस पद से मुक्त हो जाएंगे और उनकी जगह कॉनर को मिलने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।